उलझा हुआ पतंग का मांझा और सर्कस मूवी की कश्मकश दोनों को सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो यार, रणवीर सिंह से तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। इस मूवी का जब ट्रेलर आया था ना, वो देख के ही मुझे लग गया था ये तो टट्टी है। फिर भी मैंने मूवी देखी, जिसकी सिर्फ दो वजह थी, एक मेरा काम, दूसरा रोहित शेट्टी का नाम। पर भाई मूवी देख के ना सटक ली है यार। रोहित शेट्टी की रेपुटेशन एंटरटेनिंग मूवी बनाने की है। और एक खास बात और मुझे लगती है इनकी मूवी में कि भाई ये सब एज ग्रुप से कनेक्ट कर लेते हैं, पर भाई इस मूवी में इन्होंने सबको धोखा दे रखा है। इसमें सी फॉर कॉमेडी की जगह सी फॉर चू काट रखा है। मूवी की स्टोरी इतनी पजल्ड है कि इससे आसान तो अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगने लगे हैं। ये चार जुड़वा बच्चों रॉय जॉय फर्स्ट एंड सेकंड की कहानी है, जिन्हें रोहित शेट्टी वाले जमुनादास आश्रम से दो अलग अलग कपल अडॉप्ट कर लेते हैं। अब एक जोड़ा जहां ऊटी में सर्कस चला रहा है, वहीं दूसरा जोड़ा बेंगलोर में बिजनेस फैमिली में सेटल्ड हो गया है। सर्कस वाला रणवीर इलेक्ट्रिक मैन के नाम से मशहूर है। उसे एक सुपर पावर है कि भाई उसे शॉक नहीं लगता, पर उसका शौक दूसरे रॉय को लगता है। वही जुड़ो वाला कॉन्सेप्ट तुमने देखा ही है। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। फिर बाय चांस जब चारों ऊटी में एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब शुरू होती है कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। और इन्हीं बहुत सारे इंसिडेंट को मिला के हमें हंसाने की पूरी कोशिश करी है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये मूवी देख के तुम्हें हंसी आ गई तो भाई आते ही अपने माइंड का चेकअप करवा लेना सबसे पहले। तो मुझे तो यार इस मूवी में सिर्फ दो ही चीजें अच्छी लगी। एक तो इस मूवी के बड़े बड़े सेट, जो यार 60s की सही में फील देते भी हैं। और भाई दूसरा, इस मूवी में बहुत छोटे छोटे कैमियो है सपोर्टिंग एक्टर्स के, वही असलियत में मूवी की जान है। इनकी एक्टिंग छोड़ के जो इसके लीड एक्टर्स हैं वरुण शर्मा और रणवीर सिंह, भाई दोनों ने एक्टिंग बहुत घटिया कर रखी है। रणवीर सिंह का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो अंतिम लक्ष्य था जीवन का, वो था दीपिका से शादी करना, उसके बाद इन्हें कुछ नहीं करना। और वरुण के अंदर से तो ये चूचे वाली आत्मा अब तक निकली नहीं है, एक जैसे ही रोल कर रहे हैं हर मूवी में। और भाई ऊपर से दो ये लीड एक्ट्रेस ले रखे हैं, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस, जो भाई बड़ी से बड़ी मूवी का सत्यानाश कर देती है और इसका भी बंटाधार कर ही दिया है। खैर यार, मुझे तो मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं तो कहूंगा बिल्कुल मत जाना मूवी देखने। पूरी फैमिली के साथ अगर जाना है तो भाई अवतार मूवी देख के आओ, बहुत जबरदस्त मूवी है। उसका रिव्यू तुम्हें मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा। तुम्हें ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।